वेलकम बैक टू माय चैनल करियर ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, मेरा जो ये सीरीज चल रहा है यूपीएससी का, जो भी ग्रुप ए का जो सर्विस होता है उसके बारे में मैं वीडियो बनाता हूँ, और इसी के सीरीज में आईएएस इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि काम करता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के अंदर। तो इसी के बारे में आज हम बात करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्विस है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, ये कंट्रोलर एंड इन द डिपार्टमेंट ऑफ जनरल ऑडिटर ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये काम करता है। ये ऑडिट मैनेजमेंट का ये इसका मेन जो है काम है, और उसी से रिलेटेड अकाउंटेंट्स अकाउंट संभालना है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो भी ये गवर्नमेंट फंडिंग और जो भी होता है उसका ये ऑडिट संभालता है। तो ये जो है सिमिलर वर्क है एज इन यूएस में जो भी जीएओ जो डिपार्टमेंट है, एंड द सेम वे आई नेशनल ऑडिट ऑफिस ऑफ यूनाइटेड किंगडम, उसी तरह से इसका भी काम है इंडिया में। तो यह जो डिपार्टमेंट है यानी कि यह जो पोस्ट है, ये सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन में रैंक के हिसाब से ये आपको अलॉटमेंट किया जाता है, और चूंकि ये जो है सो कि अकाउंट से रिलेटेड और ऑडिट से रिलेटेड है, तो इसमें जो भी रिक्रूटमेंट होगा वो किसी भी स्टेट के यानी कैपिटल सिटी में होगा, बिकॉज एवरी ट्रांजेक्शन एंड द मैनेजमेंट ऑफ एवरी बजट और वाट एवर इट टेक्स प्लेस इन द कैपिटल सिटी मेट्रो सिटी। सो इट इज़ वेरी मतलब कि रूरल एरिया में बहुत ही कम चांस है कि आपका रिक्रूटमेंट होगा, और ये एक हाई लेवल का और ऑफिशियल लेवल का जॉब है इन द ऑडिट डिपार्टमेंट। सो इट इज़ रिलेटेड टू अकाउंटेंट, सो अगर किसी को इंटरेस्ट है जिसमें कि अकाउंटेंट में जाना और अकाउंटेंसी से रिलेटेड हो गया ऑडिट से रिलेटेड, तो इसमें वो इंटरेस्ट ले सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी वही है सिविल सर्विस का, आपको एग्ज़ाम देना होगा और उसमें जिस तरह से आप परफॉर्म करेंगे उसके हिसाब से और आपके प्रेफरेंस के हिसाब से इसमें जो है सो कि पोस्ट रिक्रूटमेंट होता है। उससे पहले ट्रेनिंग आपको मिलेगा, और इसका जो भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पे आपको ट्रेंड किया जाएगा डेट हाउ टू मैनेज द अकाउंटिंग, और जो भी उसका मैनेज करने का जो ऑडिट ऑफिस में जिस तरह से काम किया जाता है उसके बारे में आपको सिखलाया जाता है। और एग्ज़ाम में आपका जो मेन एलिजिबिलिटी है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए एग्ज़ाम बैठने के लिए, और नेशनलिटी ऑफ इंडिया होना चाहिए एंड अदर नेबरिंग कंट्रीज़ लाइक नेपाल भूटान एंड माइग्रेंट ऑफ सम अदर कंट्रीज आर ऑल्सो अलाउड टू सिट फॉर दिस एग्जामिनेशन। और जो लोग MBBS कर रहे हैं वो भी इसमें बैठ सकते हैं, बस कंडीशन ये है कि उनका जो है सो कि सेमेस्टर्स यानी कि फाइनल होने से पहले इंटर्नशिप होने से पहले भी ये भर सकते हैं, और उनके पास यानी कि एट द टाइम ऑफ द अपॉइंटमेंट दे मस्ट ये रिप्रेजेंट द फाइनल सर्टिफिकेट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी इन विच दे आर स्टडिंग। तो ये जो है सो कि डिपार्टमेंट है अकाउंटेंसी से रिलेटेड ऑडिट से रिलेटेड, तो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है मेनली फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ कॉमर्स, तो वो ये कर सकते हैं। ग्रेजुएशन जैसे ही होता है आपका बीकॉम, उसके बाद आप इसमें इंटरेस्ट ले सकते हैं। अगर आपको एक बेहतर गवर्नमेंट जॉब चाहिए विथ ऑल द पर्क्स एंड एवरीथिंग विथ हाई लेवल ऑफ सैलरी एंड एवरी फैसिलिटीज़ जो कि एक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को मिलता है, तो आप इसमें इंटरेस्ट ले सकते हैं। अकाउंटिंग इज़ वेरी ऑल्सो क्रूशियल पार्ट ऑफ द एनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री, सो दिस पोस्ट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप ये इसके बारे में आप देख सकते हैं और भी सर्व कर सकते हैं इंटरनेट पे। इसका एग्जामिनेशन वही सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन है, मैं हर वीडियो के लास्ट में ये बता रहा हूँ किस तरह से प्रिपरेशन करना है, प्री है मेंस है इंटरव्यू है, जो भी आपका बेस है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए फ्रॉम क्लास 6 to 12 रिगार्डिंग द NCERT ऑफ एवरी सोशल साइंस सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू योर क्लास, एंड ऑल्सो द न्यूज पेपर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, करेंट अफेयर्स मैगजीन्स मंथली मैगजीन्स, और आपका इंग्लिश भी बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए फॉर द इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके लिए आपको इंग्लिश न्यूज ये सुनना चाहिए, इंग्लिश न्यूज पेपर द हिंदू इज़ द बेस्ट, इट इज़ ऑल्सो रिकमेंडेड बाई हाईली टॉप पर्सनस, एंड जो भी टॉप करते हैं एग्जाम में उनने भी यही रिकमेंड किया है। इट इज़ ऑल्सो आई हैव ऑल्सो स्टडीड डैट इन द हिंदू न्यूज पेपर, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ अ काइंड एंड यू कैन ट्रस्ट ऑन इट। जो भी इसमें न्यूज आता है वो बहुत ही यानी कि डिटेल्स में होता है, और ऐड ये सब कम होता है, और मैगजीन्स है प्रतियोगिता दर्पण हो गया, करेंट अफेयर्स है, ये सब भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो भी न्यूज़ चैनल है अगर आप ये इंग्लिश में अगर सुनते हैं तो बहुत सही रहता है आपके लिए,
वोकेबुलरी आपका बढ़ता है, बोलने का प्रोनाउंसिएशन हो गया, स्ट्रक्चर्स दिमाग में बैठते हैं। इंटरव्यू के टाइम पे क्या होता है कि कम्युनिकेट कभी कभी होता है कि हमें इंग्लिश तो आता है लेकिन जब बोलने का जब मौका मिलता है तो हम अच्छे से बोल नहीं पाता है, तो ये डिमेरिट हो जाता है। इसीलिए हमें बोलने का प्रैक्टिस करना चाहिए। एमोंग द स्टूडेंट्स, एमोंग योर ग्रुप, यू शुड ऑलवेज ट्राई टू स्पीक इंग्लिश वॉट एवर इट इज़ लाइक ब्रोकन इंग्लिश इनिशियली इट विल नॉट बी ग्रामेटिकली करेक्ट बट आफ्टर द प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट सो यू कैन प्रैक्टिस अ लॉट टू मेक योर इंग्लिश स्ट्रॉन्ग एंड योर स्पीकिंग इंग्लिश विल ऑल्सो गेट इम्प्रूव बाई डूइंग अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। सो दिस वॉज ए स्मॉल रिव्यू एंड आपको मैंने बताया क्योंकि ये सब जो भी एग्ज़ाम में जिस तरह से रैंक आता है उसके हिसाब से मिलता है और इस पर काफ़ी कम लोग मतलब कि इस पर इंफॉर्मेशन देते हैं, इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि जो भी इसमें एग्जामिनेशन में आते हैं इस तरह का, यानी कि जितना भी एग्जामिनेशन कवर अप कर सकता हूँ मैं आई विल ट्राई टू कवर अप दैट रिलेटेड टू ग्रुप ए ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। सो होप सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ़ यू आर न्यू एंड देन ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग लेटेस्ट नोटिफिकेशन फ्रॉम आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, ऑल द बेस्ट।